सेल्फ आदित्य और आज का जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, टू मेक अ गेस, यानी एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब इसको समझने के लिए हमें राउंड ऑफ को समझना पड़ेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि इसको राउंड ऑफ करके बताओ, तो एस्टिमेशन को समझने से पहले हम राउंड ऑफ को समझते हैं कि राउंड ऑफ क्या है। ठीक है, राउंड ऑफ, नियरेस्ट गैस, 100 और 1000, इसलिए ये तीन तरीके से राउंड ऑफ होता है। आइए उसको हम समझते हैं। राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस का मतलब क्या है कि कोई नंबर जो है उसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा। राउंड ऑफ को करने के लिए ये होता है, तो जैसे 53 यहाँ दिया है, अब 53 का राउंड ऑफ क्या होगा इसको समझने के लिए क्या करेंगे, ये 53 जो है अब इसका हम वंस प्लेस देखेंगे, इसका वंस प्लेस है 3, तो 3 जो है ये 5 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 को 0 कर देंगे और 5 को एज इट इज उतार देंगे। तो 53 जो है उसका राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, 50। अब यहाँ पर 56 दिया है, एक दूसरा नंबर है 56। अब 56 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो वंस प्लेस है वो है 6, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए 56 का जो राउंड ऑफ है वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई नंबर का जो वंस प्लेस है अगर वो 5 से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, उस नंबर में आगे 0 लग जाएगा और जो टेंस प्लेस है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 56 का राउंड ऑफ हो जाएगा 60, 53 का राउंड ऑफ हो जाएगा 50। अब अगर हम बात करें नियरेस्ट 100 की, तो नियरेस्ट 100 क्या कहता है, 147 यहाँ दिया है, तो इसमें हम टेंस प्लेस को देखेंगे कि टेंस प्लेस जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 147 में जो टेंस प्लेस है 4 वो 5 से छोटा है, तो 147 का राउंड ऑफ हो जाएगा 100। और अगर हम नंबर देखें 155, तो इसमें जो टेंस प्लेस है 5 वो 5 के बराबर आ रहा है। अब अगर 5 के बराबर आता है या 5 से ज़्यादा आता है तो दोनों ही केस में क्या होगा, इसका जो राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट 100 155 का वो 200 हो जाएगा। अब आता है नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 का कैसे देखते हैं, इसके लिए हम 100 प्लेस को देखते हैं कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो जैसे 1294, तो इसमें जो 100 प्लेस है वो 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो इस केस में 1294 का जो नियरेस्ट 1000 होगा वो क्या हो जाएगा, 1000। जबकि 1697 में जो 100 प्लेस पे 6 है वो 5 से बड़ा है, यहाँ पर इसका राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट 1000 में 2000। तो अभी हमने राउंड ऑफ जाना, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 के बारे में जाना कि इसको कैसे निकालते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको हम जानेंगे। तो एस्टिमेशन में हम आगे के टॉपिक को अभी डिस्कस करते हैं। एस्टिमेटिंग सम ऑफ नियरेस्ट 10, 64 प्लस 79। हम पहले इन दोनों का जो है नियरेस्ट टेंस निकालेंगे। तो 64 का नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है। और 79 का नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 80, क्योंकि 9 जो है वो 5 से बड़ा है। तो 60 और 80 को जब सम करेंगे तो 140 इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब नियरेस्ट 100 का अगर हम सम देखें तो 274 प्लस 143। अब यहाँ पर दोनों के टेंस प्लेस को देखेंगे तो 274 का टेंस प्लेस है 7, तो इसका टेंस प्लेस 7 है यानी कि 5 से बड़ा है, तो इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा 300। जबकि 143 का जो टेंस प्लेस है 4 वो 5 से छोटा है, तो इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा 100। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 400। नियरेस्ट 1000 की अगर बात करें तो 2149 प्लस 3762, जब इन दोनों का नियरेस्ट 1000 निकालेंगे तो 2149 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 2000, क्योंकि 100 प्लेस पे क्या है 1, जो कि 5 से छोटा होता है। अब 3762, इसमें जो 7 है 100 प्लेस पे वो 5 से
बड़ा है, यानी कि इसका जो नियरेस्ट थाउजेंड हो जाएगा 4000, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6000। तो अभी हमने सम देखा, अभी हम लोग इसका सबट्रैक्ट, तो अब हम जानेंगे एस्टिमेटिंग सबट्रैक्ट ऑफ नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में जो हमें सबट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करिए एक नंबर है हमारे पास में 798 माइनस 325। अब ये दोनों 100 में है, अब हम इसका जो है इसको माइनस करेंगे, तो कैसे करेंगे, 798 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 800, क्योंकि ये जो टेंथ प्लेस है ये 9 या 5 से बड़ा है। अब 325 की बात करें तो इसका जो सेकंड टेंथ प्लेस है ये क्या है, 5 से छोटा है, तो इसको हम लिखेंगे 300, माइनस करेंगे, इसका राउंड ऑफ निकल जाएगा आंसर 500। ठीक है, ये समझाने के लिए था, बाकी जिस तरीके से आप लोग प्लस कर रहे थे उसमें जैसे आप एस्टिमेट कर रहे थे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, उसी तरीके सबट्रैक्शन में भी होगा और राउंड ऑफ निकाल के आप इजीली माइनस कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें किस तरीके से हम राउंड ऑफ का यूज करके एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, नियरेस्ट 10, 100 and 1000। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं नियरेस्ट टेंस का, 42 into 58, 42 multiplied by 58। अब 42 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 40, और 58 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 60, इसका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 34 into 75, तो 34 का राउंड ऑफ हो जाएगा 30, 75 का हो जाएगा 80, 5 है, चाहे 5 के इक्वल हो चाहे 5 से बड़े हो, दोनों ही केस में जो राउंड ऑफ है वो 80 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 into 24, 2400। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, फर्स्ट नंबर अपवर्ड है, सेकंड नंबर डाउनवर्ड, इसके बारे में हम समझ जाते हैं कि ये है क्या। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है 183 into 153, अब 183 और 153 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड सेकंड नंबर डाउनवर्ड, इसका मतलब समझिए, पहला नंबर अपवर्ड का मतलब कि इसका राउंड ऑफ अपवर्ड करना है और दूसरे का राउंड ऑफ डाउनवर्ड करना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहला अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड को कैसे करेंगे, तो नॉर्मली अगर देखें तो इसका अपवर्ड यानी कि ये जो राउंड ऑफ है इसको हमें बढ़ाना है, यानी कि 183 का राउंड ऑफ जो है हो जाएगा 200, तो इसको हमें लिखना है 200, और 153 इसका भी राउंड ऑफ 200 ही होगा, लेकिन ऐसे बोला गया है कि सेकंड नंबर डाउनवर्ड, यानी कि इसे हमें डाउनवर्ड करना है, नीचे करना है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 100 और इसका टोटल आंसर हो जाएगा 20000। ये है फर्स्ट नंबर अपवर्ड और सेकंड नंबर डाउनवर्ड का। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं 367 multiplied by 231, 367 multiplied by 231। अब अगर हम, और यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड सेकंड नंबर अपवर्ड, यानी कि अब फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड हो गया, सेकंड नंबर अपवर्ड हो गया, यानी कि अब हमें इसका राउंड ऑफ जो है वो डाउनवर्ड करना है और इसका राउंड ऑफ अपवर्ड करना है।
अगर हम ध्यान से समझें तो हमें अपोजिट बोला जा रहा है, 367 का राउंड ऑफ होगा 400, जबकि यहाँ बोला गया फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 300, और सेकंड नंबर अपवर्ड यानी कि इसका राउंड ऑफ होगा असली में तो 200, लेकिन इसको अपवर्ड बोला गया तो इसका राउंड ऑफ होगा 300। आपका टोटल कितना हो जाएगा? 90,000। अब ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, अब हम इसी तरीके से डिवीजन को समझते हैं। अभी तक हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के बारे में जाना है, अब हम डिवीजन का समझेंगे कि डिवीजन में किस तरीके से राउंड ऑफ का यूज होता है। एस्टिमेटिव क्वेश्चन जैसे कि यहां क्वेश्चन है 627 डिवाइड बाय 23, तो 627 का राउंड ऑफ अगर देखें तो कितना हो जाएगा? अब यहां पर हमें कुछ ऐसा बोला नहीं गया, तो 627 का राउंड ऑफ हो जाएगा 600, हंड्रेड्स में, और 23 का राउंड ऑफ हो जाएगा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 डिवाइड बाय 34, तो 74 का राउंड ऑफ हो जाएगा 70, 34 का हो जाएगा 30, ये अप्रोक्स 2 point something आएगा, तो ये इसका हो जाएगा राउंड ऑफ। तो अभी हम राउंड ऑफ के बारे में समझे, एस्टिमेशन के बारे में समझ लिया, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स, अभी हम लोग उसको देखेंगे। रोमन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की एक तरीका होता है, ये एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसमें हम मैथमेटिकल न्यूमरल्स को, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1 को डिनोट करने के लिए आई, 5 को डिनोट करने के लिए बी, 10 को डिनोट करने के लिए X, 50 को डिनोट करने के लिए L, 100 को डिनोट करने के लिए C, 500 को डिनोट करने के लिए D और 1000 को डिनोट करने के लिए M। ये चार्ट है जिसमें रोमन नंबर्स और इंडो अरेबिक सिस्टम के जो नंबर्स हैं उनको इस तरीके से मैच कराया गया है, ठीक है। अब हम आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमें इन नंबर्स को, कुछ न्यूमरल्स को रोमन नंबर में अगर हमें बदलना हो तो कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल से अभी हम लोग इसको समझते हैं। आइए हम समझते हैं कि नंबर्स को रोमन नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास कह दिया है 1, तो 1 के लिए हम लिखेंगे सिंपल i, 2 में डबल i, 3 में ट्रिपल i, 4 में, क्योंकि 4 जो है वो 5 से पहले आता है, तो 5 में जैसा कि हम b लिखते हैं तो 4 में हम क्या लिखेंगे, b के पहले हम i लगाएंगे, यानी कि 5 में से हमने 1 माइनस किया 4, तो जो हम माइनस करने वाला जो डिजिट नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो हमने 1 माइनस किया 5 में से, तो 1 को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, तो b में से हम i माइनस करते हैं। अब यहाँ पर 6 है, 6 को कैसे लिखते हैं, b में i प्लस करते हैं, ये हो गया 6। 7 में b के बाद डबल i, 8 में b के बाद ट्रिपल i, 9 में, अब क्योंकि 9 जो है वो 10 से पहले आता है तो 10 को x से डिनोट करते हैं और 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि ix, और 10 को हो गया x, क्लियर। अब 20 को हम डबल x से डिनोट करते हैं, 30 को हम ट्रिपल x से डिनोट करते हैं, 40 को, अब 40 जो है वो 50 से पहले आता है, 50 को हम l से डिनोट करते हैं, और l में अगर हम 50 में अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, तो l में से हम x को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। 60 में हम क्या करेंगे, l में x प्लस करेंगे, 70 में l x जो है दो बार प्लस करेंगे, l डबल x, 80 में l ट्रिपल x, अब 90 जो है वो 100 से पहले आता है
100 को हम C से डिनोट करते हैं, तो 90 में क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर रहे हैं, तो C में से हम X को माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा XC 90 और 10 100 हो गया C। अब 200 क्या है, डबल C, 300 हो गया ट्रिपल C, 400 और 400 क्या है, 500 से पहले आता है, 500 को हम T से डिनोट करते हैं। अब 500 में से हम 100 माइनस करेंगे तो 400 आएगा, तो हम T से पहले क्या करेंगे, C, यानी कि D हो गया 500 और C हो गया 100, तो 500 में से 100 माइनस कर दिया 400 आ गया। 500 को D से डिनोट करेंगे, 600 को D C से डिनोट करेंगे, 700 को D डबल C, 800 को D ट्रिपल C, 900 को, अब 900 जो है वो 1000 से पहले आता है, 1000 को हम M से डिनोट करते हैं, तो 1000 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो 900 आएगा, तो M से पहले हम करेंगे C, तो 900 हो गया CM और 1000 हो गया M। अभी फिलहाल हम 1000 तक के बारे में जान रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कभी अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम आगे लाख, 10 लाख और करोड़ तक में भी रोमन नंबर्स आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, इससे जुड़ा कोई अगर क्वेश्चंस आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर हम क्वेश्चन बता देंगे, उसका आंसर भी हम लोग दे देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उस आंसर को मेंशन कर लेंगे। थैंक यू।